दिल जो न कह सका जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो जाए तो जाए कहाँ लौट के आ मुझको इस रात की तन्हाई छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते फूलों का तारों का सबका। इन गीतों को रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब, मुकेश साहब और किशोर दा जैसे गायकों ने गाए थे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन गीतों को लता मंगेशकर साहिबा ने भी गाया था। इन गीतों को सुनकर आपने संभवतः महसूस किया होगा कि पुरुष गायकों के गाए हुए वर्जन्स के मुकाबले लता मंगेशकर द्वारा गाए गए वर्जन्स बहुत कम बार सुने गए हैं या कम पसंद किए गए हैं। रेडियो पर भी इन्हें सुनाने की फरमाइशें कम ही आती हैं और इस कारण वे कम ही बजते हैं। इसके क्या कारण थे? लता मंगेशकर स्वर सम्राज्ञी हैं, स्वर कोकिला मानी जाती हैं, देश की सबसे मुख्य हस्तियों में गिनी जाती हैं और भारत रत्न जैसे बड़े से बड़े पुरस्कारों से सम्मानित हैं। फिल्म संगीत की दुनिया में उनका नाम शीर्ष पर है। लेकिन आखिर क्यों जिन गीतों को लता मंगेशकर ने गाए वे कम लोकप्रिय हुए, जबकि जिन गीतों को रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब, मुकेश साहब और किशोर दा आदि ने गाए हैं वे अधिक लोकप्रिय हुए? इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा होगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यह साफ करना ज़रूरी है कि इस वीडियो में किसी को छोटा या बड़ा साबित नहीं किया गया है, बल्कि हम उन कारणों के बारे में विचार करना चाहते हैं जिनके कारण लता मंगेशकर द्वारा गाए गए वर्जन्स कम लोकप्रिय हुए। ये जो कारण हैं वे गायक गायिका की गायन क्षमता के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों पर आधारित हैं। इस वीडियो में विस्तार से इन सारी बातों का जिक्र होगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं विनोद विप्लव और आप देख रहे हैं ग्रेट लीजेंड्स चैनल। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। मखमली आवाज के जादूगर तलत महमूद की आवाज में इस गीत को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 1957 में आई फिल्म एक साल के उस गाने का एक और भी वर्जन है। क्या आपने उस वर्जन को सुना है? लीजिए उस वर्जन की झलक। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। एक और गीत की झलक पेश है, फिल्म टैक्सी ड्राइवर का गीत जाएं तो जाएं कहां। जब इस गीत का जिक्र हो तो आपके दिमाग में तलत महमूद साहब का गाया गीत ही कौनता है। लीजिए उसकी झलक। जाए तो जाए कहां। इस गीत का एक फीमेल वर्जन भी था जिसे स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने गाया था। जाए तो जाए कहां। लेकिन जब जाए तो जाए कहां गीत का जिक्र हो तो क्या लता मंगेशकर का गाया वर्जन आपके दिमाग में आता है? लीजिए एक और गीत है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। फिल्म दाग के इस गाने को लता मंगेशकर और तलत महमूद ने भी गाए। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। लेकिन जब भी यह गाना सुनना हो या इस गाने का जिक्र हो तो आपके दिमाग में कौन सा वर्जन ध्यान में आता है? ऐ मेरे दिल कहीं। तलत महमूद के अलावा हम मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए वर्जन्स की भी बात कर लेते हैं। फिल्म जंगली के गाने को लें, एहसान तेरा होगा मुझ पर, आपके ध्यान में कौन सा वर्जन आता है? इस गाने के मेल वर्जन को रफ़ी साहब ने गाया था, जिसकी झलक आपके सामने पेश है।
एहसान तेरा हो गा मुझ पर। लेकिन इस गाने का फीमेल वर्जन भी है जिसे लता मंगेशकर ने गाया था, जिसकी झलक पेश है। एहसान तेरा हो गा मुझ पर। अब एक और गाना, फिल्म भीगी रात, दिल जो न कह सका, आपके दिमाग में कौन सा वर्जन याद आता है? मेल वर्जन को तो रफी साहब ने गाया था। दिल जो न कह सका वही, और फीमेल वर्जन को लता मंगेशकर ने। ऐसे कई गाने हैं जिनको मोहम्मद रफी साहब ने गाया और उन्हीं गीतों को लता मंगेशकर ने भी गाया, जैसे बरसात की रात फिल्म में जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं भूल, फिल्म सेहरा में तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाएं? तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना। फिल्म मेरे महबूब में, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मेरे महबूब तुझे, महबूब तुझे। बेटी बेटे में आजकल में ढल गया, फिल्म इशारा में दिल बेकरार सा है। दिल बेकरार सा है, दिल बेकरार सा है। जब जब फूल खिले में परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। लव इन टोकियो में ओ मेरे शाने खुबा, फिल्म तकदीर में जब जब बहार आई, जब बहार आई और फूल, जब जब बहार फिल्म पगला कहिका में तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी ये लिस्ट बहुत लंबी है, आप कहेंगे कि केवल तलत महमूद साहब और रफी साहब के गानों का ही जिक्र क्यों। चलिए अब मुकेश साहब के गानों की भी बात कर लेते हैं। फिल्म रानी रूपमती में मुकेश साहब का गाया गीत है आ लौट के आजा मेरे मीत। आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे। इस गीत का जब जिक्र हो तो केवल मुकेश साहब के गाने का वर्जन ही ध्यान में आता है। फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के गीत को लें, मुझको इस रात की तन्हाई में, आपको किसका वर्जन ध्यान में आता है? मुझको इस रात की तन्हाई में। दुल्हा दुल्हन फिल्म का गीत हमने तुमको प्यार किया है जितना, हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना। संत ज्ञानेश्वर का गीत ज्योत से ज्योत जल, ज्योत से ज्योत जगाते, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। फिल्म सहेली का गीत जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, अब हरफन मौला गायक किशोर कुमार साहब के गानों की भी बात कर लेते हैं। फिल्म मुनीम जी का गीत जीवन के सफर में राही, आपको कौन सा वर्जन ध्यान में आता है? जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़, किशोर कुमार साहब का गाया हुआ या लता मंगेशकर साहिबा का गाया हुआ? जीवन के सफर मेरा ही मिलते। फिल्म रंगोली का गीत छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, छोटी सी पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे।
केवल किशोर कुमार का ही वर्जन ध्यान में आता है। फिल्म शर्मिली का गीत खिलते हैं गुल यहाँ। एक और गीत है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का, फूलों का तारों का, जिसके फीमेल वर्जन ही है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लोकप्रिय हुआ किशोर कुमार का गाया वर्जन। फूलों का तारों का सबका कहना है। हम सब उस्ताद हैं फिल्म में अजनबी तुम जाने पहचाने से गीत को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने भी गाया, लेकिन बरसों बाद भी किशोर कुमार का ही वर्जन अधिक लोकप्रिय है। फिल्म नौकरी में छोटा सा घर होगा, जब इस गाने का जिक्र आता है तब किशोर कुमार का गाया वर्जन ही दिमाग में आता है। छोटा सा घर होगा बादलों की छाओ में। फिल्म मंजिल में रिमझिम गिरे सावन गीत को किशोर कुमार ने भी और लता मंगेशकर ने भी गाया, लेकिन किशोर कुमार का वर्जन ज्यादा लोकप्रिय हुआ। फिल्म उलझन में अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपने जीवन की उलझन को, अपने जीवन की उलझन को। फिल्म महबूबा में मेरे नैना सावन वादो फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी। फिल्म मजबूर में देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। अब कहेंगे कि इस तरह की बातों से हम लता मंगेशकर साहिबा को छोटा दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। हम केवल लता मंगेशकर की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम अन्य गायिकाओं की भी बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर तलत महमूद ने फिल्म ठोकर में गाया, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। इस गीत के फीमेल वर्जन को आशा भोसले ने गाया था। मिस्टर एंड मिसेज 55 में प्रीतम आन मिलो गीत को गीता दत्त ने भी गाया था, लेकिन जहां प्यार मिले फिल्म का गीत चले जा चले जा चले जा जहां प्यार मिले, इस गीत को सुमन कल्याणपुर ने भी गाया था। लेकिन लोकप्रिय हुआ मोहम्मद रफी साहब का गाया वर्जन, ले जा चले जा चले जा जहां प्यार मिले। इसी तरह से बात एक रात की में हेमंत कुमार का गाया वर्जन ही लोकप्रिय हुआ, ना तुम हमें जानो, ना तुम हमें जानो। वैसे तो काफी गाने हैं जिनके मेल वर्जन के अलावा फीमेल वर्जन भी है, और इन गानों के मेल वर्जन ही लोकप्रिय हुए। हालांकि ऐसे भी गाने हैं जिनके फीमेल वर्जन ही लोकप्रिय हुए थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। आपने जिन गीतों के दोनों वर्जन को सुने उससे आपने एक तरह से यह निष्कर्ष निकाला होगा कि जिन गानों के मेल और फीमेल वर्जन थे उनमें फीमेल वर्जन ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुए। बेशक अपवाद हैं, लेकिन ये बहुत कम है। हालांकि कुछ लोगों को गाने के फीमेल वर्जन पसंद हो सकते हैं और पसंद भी हैं, लेकिन व्यापक तौर पर देखें तो साफ हो जाएगा कि इनके मेल वर्जन ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए, और आज जनमानस की स्मृति में फीमेल वर्जन बहुत कम है। क्या यह माना जाए कि पुरुष गायकों के मुकाबले महिला गायकों की गायन क्षमता कमतर रही है, या कोई और कारण है? इस वीडियो को देखने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। अगले वीडियो में हम फीमेल वर्जन के कम लोकप्रिय होने के कारणों पर ही बात करेंगे,
और आपकी राय को भी शामिल करेंगे, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वही राज दिल पर साथ लौटते आवाज न दो, तुम कहीं तो मिलोगे, रहना है इस रात।